हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम स्पेशल विषय पे बात करेंगे पिजन्स के ऊपर में, कि पिजन्स अक्सर जो हैं कैसे जल्दी ब्रीड करते हैं और पिजन्स बीमार क्यों पड़ते हैं और पिजन्स को कैसे रखने से बीमार नहीं पड़ते हैं। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे हमारे साथ में। आज हमारे फार्म का थोड़ा सा अपडेट देंगे आप लोगों को कि हमारे पास सेल के लिए क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिजन्स। देखिए, एक बच्चा चला रहे हैं यहाँ पर। देखिए, एक बच्चा इतना बड़ा हो गया है और ये लोटन का है, कलर वाले लोटन है दोस्तों। ये मेल जो है बकायदा बहुत अच्छे से लोटता है और बहुत बेहतरीन गुलाटी मारता है, और उसी के साथ में फीमेल भी बहुत अच्छी है। इस बार जो है एक बच्चा मेरी गलती के वजह से एक अंडा जो है मेरी गलती के वजह से ख़राब हो गया था, क्योंकि आप जो पीछे में ये त्रिपाल देख पा रहे हैं, ये वाला त्रिपाल मैंने लगाया नहीं था और पानी आ गया, तो अंडा जो है ठीक उसी समय में क्रेक हुआ था और एक बच्चा निकल जाने की वजह से वो ठीक था और क्रेक होने की वजह से उसमें पानी घुस गया। तो चलिए कोई बात नहीं, अब वो इतने बड़े इसको निकाल लिए हैं। इसी के साथ में देखिए चिक्स कितना छोटा सा है, देखिए, और उसी के साथ में ये यहाँ पर अंडे ये लोग दे दिए हैं। तो कई बार डबल ट्रे लगाना पड़ता है। देख रेख और मेंटेनेंस की बात करें, जैसे जल्दी ब्रीड कैसे करते हैं, तो वो रिलेटेड है खाने से और उनके रहन से है। तो हम आज आपको बताएंगे कि कैसे वो खाना देते हैं हम। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ऑटोमेटिक ड्रिंकर है। अभी फ़िलहाल हम इनको एक महीने से कोई दवाई वाई नहीं चला रहे हैं। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए, दो महीने में एक बार आपको डिवार्मिंग करनी है। डिवार्मिंग के ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे, जो भाई लोग जानते हैं ठीक है, ना तो फिर डिवार्मिंग के ऊपर अलग से वीडियो आएगा, क्योंकि ये उसका एक पूरा चैप्टर जाएगा दोस्तों। डिवार्मिंग कैसे करनी है, किन चीज़ों से करनी है, कितनी करनी है, तो हम आपको बता दें कि मैं डिवार्मिंग करता हूँ बच्चे लोगों का जो सिरप आता है उससे। कब करना है, जब उसके बच्चे नहीं रहेंगे और अंडे पे वो लोग बैठे हैं, उस समय में आप डिवार्मिंग करें। डिवार्मिंग के बाद ज़रूरी है आप 4 दिन बाद उनको आयरन ज़रूर दें। तो चलिए, ये हो गया, डिवार्मिंग के ऊपर एक पूरी वीडियो बना देंगे। फ़िलहाल हम अभी इनको कोई मेडिसिन वगैरह नहीं दे रहे हैं, आपको हम बताते हैं कि इसके खाने में क्या चलाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम आपको उसके खाने की ओर लेकर के आ गए हैं। ये जो आप खाना देख रहे हैं ये बहुत ही फ्रेश खाना है, जैसे कि ये सिर्फ मक्का है, ठीक है, ये मक्का है और इसमें जो है बॉयलर फीड है। तो बॉयलर फीड और मक्का, मक्के का जो है 1250 रुपये अभी कट्टा लगा है, ठीक है, और बॉयलर जो है कुल मिला करके आपको मक्का, ये चूरा मक्का लेना है और बॉयलर फीड स्टार्टर, जो प्री स्टार्टर छोटा होता है, स्टार्टर जो है बड़ा होता है, देखिए। और उसके साथ में आप चाहें तो धान, चना, गेहूं इस टाइप का अलग से मिक्स कर दें, ठीक है। अब इसको खाने से ये लोग जल्दी डबल ब्रीडिंग और अंडे ज़्यादा क्यों देते हैं और बच्चे कैसे जल्दी निकलते हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। ये सबसे अहम बात है कि जैसे कि हम मार्केट से जो चना वगैरह लेकर के आते हैं, मटर वगैरह लेकर के आते हैं, गेहूं वगैरह जो लेकर के आते हैं, तो उसको कई बार क्या होता है, किराना दुकान वाले लोग उस पर एक टैबलेट डालते हैं, ठीक है, वो टैबलेट जो है वो घुन लगने नहीं देता है, कीड़ा लगने नहीं देता है, उस वजह से वो टैबलेट जो है कहना चाहिए वो वैसा काम करता है कि सरफोलिन की कुछ टैबलेट का नाम है, खैर जाने दीजिए, जो भी है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि एक टैबलेट या कुछ ऐसा केमिकल ही मान लीजिए, चलिए केमिकल ही मान लीजिए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो अच्छा जो गुड प्रोटीन जो होता है उस पर वो लॉस हो जाता है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ पे पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं तो उससे उसकी जो है तासीर जो है वो बदल जाती है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि अगर आप उस चने को ला रहे हैं या दाल वगैरह जो भी है कीड़े से बचाने के लिए, गेहूं वगैरह भी, गेहूं में भी उसको डालते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसकी तासीर बदल जाती है। तो आपको उसको अगर ला भी रहे हैं और अगर आप वो दे रहे हैं तो फिर आपको उसको धो करके देना चाहिए। ये तो हो गया, अब बाज़ार में जो मिल रहा है उसको आप भी जान रहे हैं कि किस टाइप का होगा। अक्सर हम लोग चना वना के ऊपर भी कीड़ा उड़ा ना लगे बोल करके छिड़काव वगैरह करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, बाकी चीज़ें तो आप समझदार ही हैं। ये हो गया, दूसरी बात ये
कि आपके बच्चे कैसे हेल्दी रहेंगे और कैसे जल्दी जल्दी ब्रीड करेंगे और बीमार क्यों नहीं पड़ेंगे। अब बात करते हैं, हमने जो मक्का दिया है और हमने जो बॉयलर फीड दिया है, एक्चुअल में क्या है, बॉयलर फीड का एक एक्सपायरी होता है कि इस एक्सपायरी के बाद आपको नहीं खिलाना है। बॉयलर फीड कोई मशीन में बनने वाली चीज़ है, ऐसा नहीं कि घर से निकल रहा है। उसमें DOC मिलाया जाता है, उसमें मुर्गी लोगों को ग्रो करने के लिए बहुत सारा आइटम मिलाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको वो एक एक्सपायरी डेट के साथ मिल रहा है, आपको चना कोई एक्सपायरी डेट के साथ नहीं मिल रहा है, ख़राब चना भी मिल जाता है कई बार, अच्छा चना भी मिल जाता है, तो अगर इन सब को देखा जाए तो आप ये मान लीजिए कि आप अपने कबूतरों को अगर बॉयलर फीड दे रहे हैं तो वो बहुत अच्छे हेल्दी रहेंगे और कहने चाहिए कि बहुत तगड़े रहेंगे वो लोग जल्दी जल्दी ब्रीड करेंगे, वो लोग बहुत अच्छे से कहना चाहिए कि जो भी खाएंगे उनके शरीर में लगेगा, क्योंकि बॉयलर फीड अपने आप में एक मेडिसिन है। तो ये हो गया बॉयलर फीड। अगर आपको बॉयलर फीड के साथ में चना वगैरह बहुत सारे कुछ आइटम देने हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। 2 दिन बॉयलर फीड दे दीजिए, 1 दिन चना दे दिए, उसके बाद आप अपने यहाँ फ्राई चावल वगैरह उसमें विटामिन वगैरह मिला करके भी हम देते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये जो है, ये लखा जो है ये सेल के लिए है, जो अभी आपने हमने आपको दिखाया ये लखा सेल के लिए है। तो अब ये हो गया इस टाइप का, है ना। अब हम क्या करते हैं, ये जो वाटर फीडर है, ये जो पानी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पानी कभी यहाँ कम नहीं होता। दूसरी बात है कि पानी अगर कम होता है तो देखिए कैसे छलक रहा है यहाँ पर, देखिए, तो ये दिख जाता है कि भाई इतना पानी नहीं पिए हैं। अब इसको हम एक बार दिन में साफ़ करके एक बार साफ पानी दे देते हैं। इसमें कभी हमने कैल्शियम टैबलेट मिला दिया, कभी हमने आयरन टैबलेट मिला दिया। 45 डेज में आपको लसोटा करना है। कबूतर अगर बीमार नहीं चाहिए तो लसोटा जो होता है वो मुर्गियों को करने वाली एक वैक्सीन है, ठीक है, वो आपको मुर्गियों की दुकान में मिल जाएंगी। आप वो कर लीजिए, उसके साथ में आप अपने कबूतरों को बॉयलर फीड का आदत डलवा दीजिए। बॉयलर फीड की आदत के बाद आप अपने कबूतरों को मेंटेनेंस रखने के लिए ये ऑटोमेटिक फीडर और ड्रिंकर लगा दीजिए, जिससे कि आपको आसानी हो पालने में। बीच बीच में आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ये एक सिंगल पीस लखा अलग से निकला हुआ था, सिराज निकला हुआ था और वो लोटन निकला हुआ था। यहाँ पर सिराज जो है थोड़ा सा लाहौरी सिराज है, हम आपको दिखा दें, लाहौरी सिराज का बच्चा है ये। देखिए हमारा लाहौरी सिराज का पैर, देखिए ये फिर से अंडे में बैठ गए हैं। ये एक्चुअल में इसीलिए हो रहा है, बीच में हमारे यहाँ भी ब्रीडिंग रुक गया था क्योंकि हम भी मुर्गियाँ का जो दाना है वो नहीं दे रहे थे, लेकिन हमारे पास बीच में दाना कम पड़ा, ऐसे चना वना मक्का वक्का जो भी आप बोल लें कम पड़ा, तो हम एक बार इसको दे करके देखे तो बहुत अच्छा। फिर हमने सुना कि बड़े ब्रीडर अभी बॉयलर फीड वगैरह दे रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, पैलेट देते हैं, बड़ी वाली फिनिशर जो है, फिनिशर देते हैं। तो फिनिशर जो है छोटे बच्चे खाना उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। हमने फिनिशर में ट्राई नहीं किया है क्योंकि फिनिशर का जो साइज़ इतना बड़ा बड़ा होता है, ये साइज़ का फिनिशर होता है, बहुत नहीं खा पाते हैं, फिर उसको हाथ से चूरा करना पड़ता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको अभी ये हमने दिखाया, जैसे कि ये देखिए। और एक चीज़ क्या कीजिए, जैसे ही आपको पता चले कि आपके कबूतर के बच्चे खाने लगे हैं बोल करके, तो भले ही आपको 2-3 दिन उनको खिलाना पड़े या ना भी खिलाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कबूतरों को आप बिल्कुल बच्चों को एक साथ अलग कर दीजिए। एक साथ अलग करने से क्या होगा, वो लोग बहुत जल्दी ब्रीड कर लेंगे। अगर आपको सिराज को छोड़ करके अगर आपको लोटन चाहिए तो पर पीस 1000 रुपये के हिसाब से, वो एक पेयर है 2000 उसका लग जाएगा आपको, और ये लखा पर पीस 1000 रुपये के हिसाब से ये बच्चे मिलेंगे आपको पट्ठे, ठीक है। तो ये है हमारे पास सेल के लिए। और अगर आप कबूतर पालने के शौकीन हैं और कई बार आपके कबूतर घूम जाते हैं, या तो फिर आप उड़ान के कबूतर लाते हैं वो भी कई बार उड़ जाते हैं इधर उधर, तो उड़ान के कबूतरों को सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको उड़ान के कबूतर को कहना चाहिए कि पेरेंट्स लोगों को बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सारे कबूतर थे, ये यहाँ कबूतर थे, यहाँ सेल होते जा रहे हैं सब कोई, और सब फिर से अंडे बच्चे करते जा रहे हैं। तो इससे हमको भी जानकारी हो जा रहा है कि कौन कितने दिन में करता है, किस टाइप का पेयर है। हम आपको ये वाला पेयर भी खोल करके दिखाते हैं, लाहौरी सिराज का। लाहौरी सिराज का बच्चा 1000 रुपये में नहीं आएगा दोस्तों। अभी जो है हमारे पास लखे, वो 1000 रुपये में पट्ठे मिल जाएंगे। ये देखिए कितना सॉलिड है इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है। ये लाहौरी सिराज है, ये
गुटर भी रहा है और ये मस्त दो अंडे दे करके ये देखिए फिर से बैठ गए। अनफर्टिलाइज बहुत बार दे रहे हैं, तो आप क्या कीजिए उसमें अपना एक ब्रांड बनाइए जिसमें कि आप पानी जो है लहसुन का पानी यूज़ कीजिए। लहसुन के पानी के साथ साथ में आपको बीच बीच में विटामिन देना होगा। विटामिन देने से मेल जो है वो तगड़ा हो जाएगा। आप जब दे रहे हैं तो दोनों को दे दीजिए पानी में मिला करके, तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि फीमेल को भी कई बार विटामिन प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। उसमें भी फ़र्क रहता है फर्टिलाइज अनफर्टिलाइज का, दोनों का मतलब होता है। तो आप एक को ना दे करके दोनों को दीजिए और कैल्शियम टैबलेट बकायदा आप इसमें मिला सकते हैं। कैल्शियम में सिग्मा कैल जो आता है वो सस्ता आता है, वो आप मेडिकल से ला सकते हैं, सिप्ला कंपनी का। वो न्यूरोबियन फोर्ट बीच बीच में आप पानी में डाल करके दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सारा चीज़ ओके ठीक है। अब आपको हमने बता दिया कि आपको कैसे एक फर्टिलाइज कराने हैं, कैसे आपको अपने कबूतरों को हेल्दी रखना है, कैसे आपको ज़्यादा ब्रीडिंग लेनी है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो लाइव डेमो दिखाते हैं आपको किस टाइप का होता है। देखिए ये हमारी मुक्खी हर बार अभी कंटिन्यू, ये मेन क्या है, इसका भी जो पानी जो था त्रिपाल पीछे से आ गया पानी, इसलिए देखिए वहाँ पर ये लोग एक बच्चा लेकर के बैठी है ये देखिए ठीक है। और खाना भी देखिए कितना मस्त खिलाया है इसको, हम आपको दिखाते हैं बॉयलर फिट का कमाल दिखाते हैं। बच्चे जो हैं पूरे एकदम मस्त ग्रो करते हैं, बहुत बढ़िया साइज़ होता है। देखिए ये मुक्खी है ठीक है, ये देखिए ये मुक्खी का बच्चा है। खाना देखिए कितना ज़बरदस्त खिला रहे हैं इसको, है ना। और उसके साथ में देखिए कैसे मारेगी, हम ये हिल नहीं पा रहा है वैसा, उतना साइज़ आया है उसका। और ये देखिए ये कलर जो है मुखी का सिल्वर कलर में बच्चे आए हैं, बहुत सॉलिड बच्चे आए हैं। ये लोग अपने से खा रहे हैं, तो इसको हम अभी निकाल करके उधर करेंगे इसको। तो अभी एक ही जगह में बहुत सारे लोग हो जाएंगे, अभी वैसे भी बच्चे हैं हमारे पास, इसलिए हम उसको एक जगह नहीं कर रहे हैं। बाकी ये मुखी लोग सेल करने लायक हो गए हैं दोस्तों। ये 500 रुपये पीस है, 1000 रुपया जोड़ी है ठीक है। ये जोड़ा में ही देंगे, जो जोड़े में है वो जोड़े में देंगे, और अलग से किसी को लेना है तो वो बात कर सकते हैं फ़ोन में एक बार। ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों, छत्तीसगढ़ तक है, छत्तीसगढ़ के बाहर का ट्रांसपोर्टेशन का अलग लगेगा। आजकल नियम बना दिए हैं, रूल बना दिए हैं, बस वाले लोग भी बहुत भाड़ा ले रहे हैं। और ये अलग से हमारे एक फ्रेंड ने रखे लोटन की मादी रखने के लिए कहा था, हमने रख दिया, लेकिन उनका कोई खबर नहीं, कोई बात नहीं उनका, तो ये दिक्कत वाली बात है। ऐसे रखने के लिए बीच में कस्टमर आए थे तो हमने इसको नहीं दिया ठीक है। और ये जो है ब्रीडिंग पेयर जो है 3,500-4,000 का चलता है, तो उस हिसाब से 50% में ये फीमेल मिल जाएगी आपको 1,500 से 2,000 के भीतर। अब बात करते हैं पूरे सेटअप का, तो अगर आप पूरे सेटअप को देखें तो ये बहुत ज़बरदस्त सेटअप है दोस्तों। इस टाइप का अगर आप सेटअप बनाते हैं तो आपके कबूतरों को कभी कोई समस्या नहीं आएगी। अब बात करते हैं खरीदी बिक्री का, और भी हमारे पास क्या सामान है। आपको ये टर्की के बच्चे अवेलेबल मिल जाएंगे दोस्तों, ये जो आप टर्की देख रहे हैं ये सारे सेल के लिए हैं, 2 मंथ्स ओल्ड हैं दोस्तों। ये 800 से 900 ग्राम वज़न है, इनको ना तो कोई सर्दी है ना कुछ है, फुल हेल्दी हैं टर्की लोग, और बहुत अच्छे हैं ये लोग। क्योंकि टर्की के बच्चे अक्सर बचा पाना मुश्किल होता है, ये टर्की के बच्चे जो हैं आपको कभी भी ख़रीदनी है दोस्तों तो इसी साइज़ में ख़रीदना है। 2 महीने प्लस वाले बच्चे खरीदने हैं, क्योंकि तब तक इनको 3-4 वैक्सीन हो चुकी होती है। वैक्सीन के बाद ये टर्कियां इतनी हेल्दी हो चुकी होती हैं कि आपको पता चल जाएगा कि आपके टर्की घर जा कर के कैसे रहेंगे ठीक है। तो बड़े बड़े बच्चे हैं दोस्तों, बिल्कुल आप जल्दी से जल्दी फ़ोन कीजिए और जल्दी से जल्दी आप इसको लेने का प्रयास कीजिए। हमने इसको भी देखिए ब्रॉयलर दाना और मक्का दाना मिक्स करके दिया है, और पानी हम इसको भी ऑटोमेटिक चलाते हैं। यहाँ धूप आता है और हम यहाँ पर बोरा इसलिए लगाए हैं कि हम यहाँ पर पानी जो है छिड़काव कर सकें। पानी छिड़काव करने से ये इनका मौसम ठंडा रहता है। सबसे बड़ी बात ये जो ऊपर देख रहे हैं आप, ये एडवेस्टर के ऊपर में पेड़ है, पेड़ के वजह से ठंडी बनी रहती है यहाँ पर, बहुत बढ़िया एकदम है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आते हैं आपको सिल्की, तो अभी सिल्की के बच्चे हमारे पास फुल अवेलेबल हैं दोस्तों। ये देखिए सिल्की भी अवेलेबल है, आपको सिल्की भी मिल जाएगा, बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइस में सिल्की मिल जाएगा। ये भी आप बिल्कुल कॉल करके ले सकते हैं सिल्की का प्राइस वगैरह। तो ये रहा, इंडियन सिल्की भी है, अमेरिकन सिल्की भी है, इसमें दोनों प्रकार के सिल्कियां हैं और फुल हेल्दी हैं दोस्तों। कोई बच्चा एक भी डैमेज नहीं है, मेल फीमेल कन्फर्म करके देंगे आप लोगों को ठीक है। और उसके साथ में ये जो टर्की का पुराना सेटअप था
इसको तो इसका वीडियो गया है दोस्तों, वन बिलाव अटैक से लेकर के ये पानी क्यों गंदा है, कैसे क्या हो रहा है इसमें, इसमें मछली की चास होगी कि नहीं होगी, और उसके साथ में आपको ये जो सेट आप देख रहे हैं, ये सेट का कैसा आगे का जो प्रोग्राम है, फार्म से रिलेटेड अपडेट, कैसे रखने से अपने फार्म में बहुत अच्छे से आपको ब्रीड होगा, कैसे आपको देसी मुर्गी से मिली, बहुत सारी जानकारियां हम दे सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बिल्कुल चैनल को प्यार दें दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।